जय हिंद, वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी टेस्ट नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। साथ में एक डीएससी की भर्ती भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3 मई 2024 को नोटिफिकेशन है और जिसमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर है पूर्व सैनिकों की, क्लरिकल स्टाफ की। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लर्क हैं जिसमें कि GCO, NCO, एक्स सर्विसमैन, 5 क्लरिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पर उनको लिया जाएगा। कॉन्टैक्ट सेक्शन जिसमें कि E8 एडमिन सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, कैशियर इन पार्टिकुलर में यहाँ पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि एक्स GCO NCO क्लर्क जो भी हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लीकेबल रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। और अभी इसके लिए कौन कौन से पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाना होगा जो कि नागपुर के पूर्व सैनिक हैं। अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाएँ और वहाँ से आप अप्लाई करें। 3 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी दूसरी जो भर्ती यहाँ पर है ये है DSC की, कंडक्ट ऑफ री इनरोलमेंट ASM इंटू DSC। यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसकी दी गई है और सबसे मेन जो बात है यहाँ पर कि DSC की भर्ती है, DSC की जो रिक्रूटमेंट है जिसमें कि सिपाही GD, सिपाही क्लर्क, SD के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलेगी। और ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी AAD सेंटर में है, आर्मी एयर डिफेंस AAD सेंटर में 18 जून 2024 को भर्ती होगी। और यहाँ पर 21 जून 2024 से आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी, कंडक्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग 21 जून 2024 को। यहाँ पर जो बताया गया है कि सोल्जर GD के लिए डेट ऑफ बर्थ नॉट बी बिफोर, उससे पहले नहीं होना चाहिए 21 जून 1978 से पहले। और सोल्जर करार के लिए डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 21 जून 1976 से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कि जो GD हैं उनके लिए जब से आप SOS हुए हैं, यानी कि जब से आपने सेना छोड़ी है तब से लेके भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आर्मी बिफोर जून 2022 से पहले आपका SOS नहीं होना चाहिए। और जो क्लर्क हैं उनके लिए 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। SOS फ्रॉम आर्मी बिफोर जून 2019 से पहले आपका SOS नहीं होना चाहिए, आपने सेना नहीं छोड़ी होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी जो निकाली, जो भर्ती निकाली गई थी AAD सेंटर में है और 18 जून 2024 को आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। 21 जून 2024 से भर्ती शुरू हो जाएगी।